हेलो फ्रेंड, शाहरुख खान की अपकमिंग मूवी पठान का टीजर शाहरुख खान के बर्थडे यानी कि 2 नवंबर को रिलीज किया जाएगा। लेकिन लोगों पर इस फिल्म का क्रेज अभी से ही चढ़ गया है, जहां शाहरुख खान के फैंस ने अभी से ही इस फिल्म के ट्रेलर को लेकर ट्विटर पर ट्रेंडिंग टॉपिक बना दिया है। तकरीबन 5 साल के बाद शाहरुख खान इस फिल्म से सिनेमाघरों में वापसी करने जा रहे हैं। हालांकि इससे पहले वे ब्रह्मास्त्र और लाल सिंह चड्ढा जैसी फिल्मों में कैमियो करते हुए नजर आ चुके हैं, लेकिन एक फुल फ्लेज्ड रोल में देखना शाहरुख खान को फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी और बड़ा ओकेजन होगा। अगर बात करें इस फिल्म की, तो ये एक स्पाई एक्शन मूवी होगी, जिसमें शाहरुख खान के अलावा दीपिका पादुकोण, जॉन अब्राहम भी मेन लीड में नजर आएंगे। और यही नहीं, सलमान खान भी इस फिल्म में कैमियो करते हुए नजर आने वाले हैं, क्योंकि यशराज फिल्म्स एक स्पाई यूनिवर्स बना रहा है, जिसमें वॉर के ऋतिक रोशन, टाइगर से सलमान खान और पठान से शाहरुख खान इस यूनिवर्स के मेन कैरेक्टर होंगे। एक्चुअली यशराज फिल्म्स का प्लान है कि अपने सबसे बड़ी फिल्म धूम सीरीज से भी बड़ी सीरीज की फिल्में बनाना, इसलिए एक स्पाई यूनिवर्स तैयार किया गया है, जिसके साथ ही टाइगर 3 में भी शाहरुख खान का कैमियो रोल कन्फर्म कर दिया गया है। तो हो सकता है कि अगर ये फिल्में बड़ी हिट साबित हों, तो शाहरुख खान, सलमान खान और ऋतिक रोशन आपको इस फिल्म में या फिर एक और फिल्म में साथ काम करते हुए नजर आए, जैसा कि हॉलीवुड फिल्मों में होता है, जैसे कि फास्ट एंड फ्यूरियस मूवीज। गाइज, ऐसे सभी लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।